अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि होल नंबर्स यानी के मुकम्मल अदाद कैसे वजूद में आए। तो हम देखते हैं पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कैसे वजूद में आए, इसकी हिस्ट्री हमने पहले लेक्चर्स में देख ली है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हमारे पास नेचुरल नंबर्स जो थे सिर्फ अभी तक यही वजूद में आए थे, लेकिन बाद में देखा गया कि अगर ऐसी इक्वेशंस जिस जैसे कि x प्लस टू इक्वल टू टू, एक्स प्लस ए इक्वल टू ए, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू थ्री, ऐसी इक्वेशंस अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमारे पास एक आंसर आता है। तो ये जो आंसर आता है ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स में नहीं था, तो इस कमी को पूरा करने के लिए एक होल नंबर बना दिया गया और उसमें ये हिंदसा जो हमारा आंसर आता था उसको डाल दिया गया। नेचुरल नंबर्स में मौजूद कमियों को पूरा करने के लिए हमने होल नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया और वो आंसर ज़ीरो था। नेचुरल नंबर हमारे पास वन से स्टार्ट होंगे, जबकि होल नंबर नेचुरल नंबर्स की कमियों को पूरा करने के लिए ज़ीरो से स्टार्ट होंगे। अब हम अगर देखें तो एक्स प्लस टू इक्वल टू टू, अगर इसका आंसर x इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, ये नेचुरल नंबर में नहीं है लेकिन होल नंबर में है, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स में कमियां थी वो कमियों को अपडेट करके या उस कमियों का एक वर्जन निकाल के हमने नेचुरल नंबर्स का होल नंबर्स बना दिया जिसमें ज़ीरो भी शामिल है।